Hey everyone, welcome back to the channel. Now let's start with today's topic that is related to comparison. जब हम भी करते हैं किसी से भी तो हम कई सारी चीज़ें उसमें सोच लेते हैं, कई सारी चीज़ों में हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे वो एक हैबिट सी बन जाती है जो कि बहुत गलत चीज़ है. नॉर्मली हम बड़े होके भी ये चीज़ करते हैं और बच्चे तो आजकल क्योंकि बहुत स्मार्ट हैं तो ये चीज़ें उनमें बहुत जल्दी आ जाती हैं, जो कि हम में से ही कोई ऐसा होता है जो उनको ये चीज़ें सिखाता है, वो चीज़ें उनके वो माइंड में डालता है. कंपैरिजन एक लिमिट तक अच्छा है जब तक वो पॉजिटिव है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो नेगेटिविटी क्रिएट करनी शुरू कर देता है बहुत अलग तरीक़ों से. चलिए उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ लेस कॉन्फिडेंस. द पर्सन हु इज़ कंपेयरिंग विद अदर पर्सन, दैट पर्सन विल डिक्रीज हिज और हर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है? जैसे कि अगर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा डिग्रेड फील करूँगी, हमेशा दूसरे से छोटा फील करूँगी. क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं हम कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते हैं हमारे अंदर, हम हमेशा अपनी नेगेटिविटी दूसरे की पॉजिटिविटी से कंपेयर करते हैं जिससे वो चीज़ और बढ़ती है और वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है. तो वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए. द सेकेंड पॉइंट इज़ नेगेटिविटी. एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वन, इट इंक्रीजेज द नेगेटिविटी. क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, हम अपनी पॉजिटिविटी ना कंपेयर करके हम अपनी नेगेटिविटी कंपेयर कर रहे हैं और दूसरे की पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ इंक्रीज होगी जिससे हमें नेगेटिव थाट्स आएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. थर्ड पॉइंट इज़ नो फोकस. क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, नेगेटिविटी कम हो रही है, तो हमारा जो मेन प्रेजेंट पे फोकस है वो धीरे धीरे हमारा चला जाएगा और उसी रीज़न से बाकी और ज़्यादा चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा, हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट होगा और भी कई सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा हमारा. तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस. लाइक आई टोल्ड बिफोर, जो भी हम क्योंकि हम प्रेजेंट पे दूसरे पे फोकस कर रहे हैं बजाय कि अपने पे, तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगा. जो हम ऑलरेडी कर पा रहे थे वो भी हम एक टाइम ऐसा आएगा जो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज़ नो सेल्फ लव. जैसे जैसे धीरे धीरे हम अपनी नेगेटिविटी को दूसरे की पॉजिटिविटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव हमारे पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे अपनी फोकस करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं. नेगेटिव चीज़ों को इम्प्रूव करने का ट्राई करना चाहिए, ना कि उस पर फोकस करना चाहिए. और उससे क्या होगा, उससे जो हम अपने आप से प्यार करते हैं या प्यार करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी ह्यूमन बींग के लिए, वो चीज़ कम होती जाएगी. हम बजाय कि अपने से प्यार करने के हम अपने को डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपने को ये सोचते जा रहे हैं कि अरे हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी है. तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है. हमें ये चीज़ें देखनी ज़रूर है, हमें पता ज़रूर होना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए, ना कि हमें ये फील करना है कि हम उससे और ज़्यादा प्रेशराइज होते जाएँ. नेक्स्ट इज़ लोनलीनेस. क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन फील करवा रहे हैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों की वजह से, उससे क्या होगा, हमारा लोनलीनेस बढ़ेगा, हम ज़्यादा अलोन फील करेंगे, हमारा ग्रुप सर्कल नहीं बनेगा, हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, हम अकेले ज़्यादा रहना पसंद करेंगे. ये चीज़ें अगर आप अपने आप को सेल्फ टाइम देना चाहते हैं, कुछ लिमिट का होता है, कुछ टाइम का होता है, फ्री स्पेस ज़रूरी है हर किसी के लिए, पर हर टाइम पे अकेले रहना, किसी से ना बात करना, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई आगे जाके कई हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं क्योंकि हम अकेला फील करते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. अकेले रहना है लेकिन कभी कुछ काम है तो आपको अकेला टाइम स्पेंड करना है, अलग बात है. या फिर नॉर्मली आपको अपने लिए, अपने आप को अगेन पॉजिटिव बनाने के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना है, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन एक अलोन फीलिंग, एक लोन फीलिंग, दैट इज़ वेरी वर्स्ट थिंग. सो दैट शुड नॉट बी देयर इन एनीवन. सपोर्ट ईच अदर. नेक्स्ट ग्रीडीनेस. क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमें नेगेटिविटी की साइड ले जा रहे हैं तो हर एक नेगेटिव फैक्टर हमारे अंदर बढ़ता जाएगा. जैसे कि ये पॉइंट है ग्रीडीनेस. हमें एक टाइम पर कैसा लगेगा कि हम ही सब कुछ हैं, या हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर कि हमें ऐसा लगेगा कि नहीं
ये पर्सन तो कुछ है ही नहीं या ये पर्सन तो हमेशा ऐसे ही करता है, हम धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रीडीनेस में ले जाएंगे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईगो। क्योंकि हमारे अंदर ग्रीडीनेस बढ़ेगी, लालच बढ़ेगा हर एक चीज़ का, कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी कर लेना है, क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी रिजल्ट करती है ईगो में, जो कि मैंने वर्ड यूज़ किया ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे, आपको अपने ऊपर ईगो आने लगे आपके अंदर, और उससे रूडनेस बढ़ती है, हम दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चीज़ सोसाइटी के लिए भी गलत हो जाती है और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी गलत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हमारे अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते जाएंगे, जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन लेवल क्यों आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता जाएगा, तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी एज हो आपकी। ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, स्पेशली बच्चों के केस में, क्योंकि अगर बचपन में ही ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाके ये चीज़ इंक्रीज होगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट, एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, लव योर सेल्फ ऑलवेज, बी कॉन्फिडेंट एंड मूव अहेड। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।